ॐ सहनावतु सहनौ पुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मां विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। ॐ श्रुति स्मृति पुराणानां आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शंकरं लोकशंकरं शंकरं लोकशंकरं। तपो भीक्षीण पापानां शान्तानां वीतरागिणां मोक्षोणामपेक्षोऽयम् आत्मबोधोऽभिधीयते आत्मबोधोऽभिधीयते। हरि ओम। वेदांतर साधना को तीन सोपान रे उपनिषद रे कहलाई बृहदारण्यक उपनिषद रे कहगला आत्मा वा अरे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निदिध्यासितव्य। ऋषि याज्ञवल्क्य ये उपदेश पत्नी की प्रदान कर आत्मा को देखी हब बा आत्मा को देखा उचित द्रष्टव्य। सबु मनीष आत्मा को देखा उचित देखा माने अनुभव करवा उचित साक्षात्कार केमी जाने देख ना आत्मा को देखापी अनुभव करने श्रोतव्य आत्मा को सुनिबा उचित श्रवण करिबा उचित गुरु ठारु सुनिबा उचित मन को मन गोटे भाविला श्रोतव्य गुरु ठारु सुनिबे गुरु कौठ कहिबे ना शास्त्र रु शास्त्र कहिले कौन ना उपनिषद। आत्मविद्यार सोर्स होची उपनिषद।
तेणु गुरु उपनिषद रे आत्मा विषय रे जहाँ कुआ जाए बुझे पढ़े शिखे शुणी सारा मंतव्य आत्मा विषय रे मनन करिबा उचित मनरे जो संदेह जो संशय आसीब से संदेह को संशय को युक्ति द्वारा श्रुति प्रतिपादित तर्क आधार रे युक्ति करिबा उचित यदि श्रुति आधार रे जणे युक्ति न करूची शास्त्र रे आधार रे ताले तक बाहुची कु तर्क हम उड़िया रे कहूची आदि शंकराचार्य क्वेश्चन जे दुष्तर्क खाली गोटे इंटेलेक्चुअल आर्गुमेंट करिवा युक्ति नुहे युक्ति होची शास्त्रर पक्ष कहले शास्त्र जो भले हमको गाइड करूची सेही भले युक्ति करिवा होची श्रुति शिरो पक्ष वेदांतर पक्ष भुक्त ही युक्ति करिवा होची तापर होची आत्मा विषय रे ध्यान करिवा होची निदिध्यासितव्य निदिध्यासन करिवा होची ताहले आत्मा को जाने अनुभव कर तेणु आत्मबोध ग्रंथ रे आदि शंकराचार्य मध्य से स्टेप्स को फॉलो कर वर्तमान श्रोतव्य मान श्रवण सरीगला आत्मा कौन आत्मार लक्षण कौन उपाधि सहित तो आत्मार संपर्क कौन ये विषय सरीगला तेणु सत्तर नंबर मान षोल नंबर मनन आरंभ से कह बपु तुषाधि कोशे युक्तम युक्तिया अवघातत आत्मानं अंतरं शुद्धं विविच्यात तंडुलं यथा जेमती तसु लगी तसु मान चोपा कुंडा कुंडा लगी धानर जो चोपा को जो आम बाहर कर दिए खाली चाउल तंडुल बाहर ठीक से भाव गुरु शास्त्र शुणिला बेले से मन भितरे जो उपाधि विषय संशय बा डाउट्स बा भ्रम थाए युक्तिया अवघात युक्तिर अवघातन द्वारा अवघातन माने प्रहार युक्ति द्वारा प्रहार करी से डाउट को संशय को उपाधि विषय छाप को उपाधि विषय भावना को विचार को बुद्धि दूर करिबा उचित फल खाली शुद्ध आत्मा किंतु तंडुल कुटा एक चोपा विहीन तंडुल चाउल किंतु शुद्ध आत्मा को जने अनुभव करिबा उचित जहा को टेक्निकली कहगला मनन गत काल जन मत व्हाट्सएप पचारिदे देखो व्हाट्सएप पचार प्रश्न पचारत प्रश्न माने निजर संदेह निजर संशय जन कह स्वामीजी तत्वबोध रे कारण शरीर विषय कौन कहे पढ़े अरे भाई तत्वबोध सर तत्वबोध रे कारण शरीर विषय आप पढ़े तार जो आपंकर जो डाउट हब यहाँ हूँ मोर डाउट पचारे मुझे डाउट दूर करी पुणी थे कारण सर तत्व बोध रू पढ़े कि आम आगक जावा पचक जाऊ कारण शरीर हूँ अति सरल भाषा बुझापाई मुझे गत काली कही कारण शरीर कहले आम भितर थी अविद्या आत्म अविद्या प्लस आम भितर थी वासना जो वासना आम भितर लुचिकी अच्छी वासना हूँ आम कारण शरीर अविद्या एवं आम वासना सात्विक वासना राजसिक वासना तामसिक वासना जहा आम साइकोलॉजी कह अनकॉन्शियस माइंड आम अनकॉन्शियस माइंड हूँ आम कारण शरीर तेणु जहा सुसुप्ति अवस्था रे आम पाखे आसिक पहुंचे सुसुप्ति अवस्था रे
आत्मा एवं कारण शरीर खाली विद्यमान थाए पड़ा बेले कौन आपण थाए ना आत्मा थाए एवं कारण शरीर थाए स्वप्न देखला बेले आत्मा थाए कारण शरीर थाए प्लस सूक्ष्म शरीर थाए जाग्रत हेला बेले तीन टा जाग थाए आत्मा थाए कारण शरीर थाए सूक्ष्म शरीर थाए प्लस स्थूल शरीर मध्य कार्य करे फंक्शनल तेणु कारण शरीर कौन बुझापी हेले अति सरल भाषा जानवे जे कारण शरीर होची आम भितर थिबा अविद्या माने आत्मा विषय अविद्या इग्नोरेंस ये थॉट वृत्ति प्लस आम भितर जो वासना सब अच्छे कौन वासना अच्छे सब वी डोंट नो जो पर्यंत वासना मैनिफेस्ट करिवो नाही ताको आम जानी परियो नाही वासना होची कर्म बीज कर्मर मंजी अच्छा मु आपन गोटे सूचना दउची सब दिन मु भावुची कहिबी पुनी भूली जाउची किछि लोक बिना नारे जॉइन करछन कि जें तुमको जण मो सामना रे जणे मा बसछन्ती तांकर लेखा हिची QCOMBTD तांकर जो मोबाइल रो जो नंबर टा ओ नंबर से मोबाइल जो मॉडल रो से मॉडल नंबर से जगह रे आपन को निजो ना लिखी दिन मो सामना रे बहुत गुडे आसलानी 1 2 3 4 खाली जणे लिखि कर जॉइन करछन्ती 1 2 3 4 5 आउ जण करो छि 521D5530 से जगह मान कर निजर ना लेखन नले गुटे दिन मु क्लास रो अनुशासन अनुसारे आपन मानन कहबी जे ई लोक गुडांग सु क्लास ओ प्रकाश से सदा सर्वदा प्रकाशित होथाय निजर चैतन्य को से प्रकाशित होथाय तणु सर्वगत तणु आत्मा होची सर्वगत सर्वगत माने आत्मा होची ऑल परवेडिंग तीन टा जिनस नंबर वन आत्मा हला चैतन्य स्वरूप नंबर टू होची आत्मा होची नित्य सब बेले थाए नंबर थ्री आत्मा होची सर्वव्यापक सब आड़े समान भाव रे होची कारण से सर्वगत न हेले से इनफाइनाइट हेई परिबो नाही तेणु जदि आत्मा इनफाइनाइट न हो फाइनाइट हेई जीव जदि फाइनाइट हेई जीव ताले से निजर चैतन्यता हरै बसिब से जड़ हेई जीव जहार आरंभ एवं शेष अछि सी होची जड़ सी चैतन्य केबे हेई परिबो नाही चैतन्य ताकु ही कह जाए दर्शन रे जहार आरंभ नहीं कि जहार शेष नहीं जे कहा द्वारा लिमिटेड नुहे जे कहा द्वारा कंडीशन नुहे ताकु ही चैतन्य कह जाए तेणु आत्मार जेहेतु ये तीन टा कंडीशन फुलफिल करुची आत्मा होची चैतन्य स्वरूप आत्मा होची सदा आत्मा होची सर्वगत जदि एटा ट्रू ताले सर्वत्र न अभवासते किम ताले सबु थारे आत्मार चैतन्य काहेकि प्रकाशित हुए नाही फॉर एग्जांपल जड़ वस्तु रे आत्मार चैतन्य प्रकाशित हुए नाही जे मुंद मो शरीर मु गत काले आपन उदाहरण दउथली मो पाखर गोटे ए गोटे डब्बाटे अछि एउटा अमृतांजन डब्बाटे आ मो आंगुठी मो आंगुठी हलुची मो आंगुठी रे चैतन्य अछि मो आंगुठी रे भी आत्मा अछि ए डब्बा रे भी आत्मा अछि किंतु ए डब्बा तो आपण छै हलुनी आंगुठी आपण छै हलुची तोनी डब्बा रे जदि आत्मा अछि तले डब्बा रो चैतन्य प्रकाश काई पाउ नै व्हाट इज रॉन्ग कोठी असुविधा रहिछि कोन ए डब्बा रे आत्मा नाही सेमिन त होइ परिबनी आत्मा त सब आड़े अछि पण डबार थिबा आत्मा वर्तमान चैतन्य प्रकाश करू नाही माने सेमिन त होइ परिबनी सदा सब बेले चैतन्य प्रकाशित होउ जाय तले काहे कि डबार रे चैतन्य आम दृष्टि गोचर होउ नाही जेमती पशु पक्षी कीट पतंग विभिन्न गच्छरे भी चैतन्य आम दृष्टि के आसुची गच्छटा आपणा छाए बढ़ुची चढ़ेटे आपणा छाए उड़ुची पशु आपणा छाए दौड़ुची मनीष आपणा छाए चिंता करुची सब चैतन्य इफेक्ट किंतु पत्थर आपणा छाए गोटे जगह आ गोटे जगह को जाई परुनी
ତା ଭିତରେ ତ ଚୈତନ୍ୟର ପ୍ରକାଶ ହିଁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କହୁଛେ ତା ଭିତରେ ଆତ୍ମା ଅଛି, କାରଣ ଆତ୍ମା ରହିବା ଉଚିତ, ଯିଏ ସବୁଆଡେ ନାହିଁ ସେ ଆତ୍ମା ହେଇପାରିବନି। କାହିଁକି ଏଠି କଣ ଇଏ ଆ ଭିତରେ ମିସିଂ ଲିଙ୍କ କଣ, ଇଏ ଭିତରେ ଡାଉଟ ରହିଯାଉଛି, ମୁଁ ତ ବୁଝିପାରୁନି କଣ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଲେ ଯଦି ଏଇଭଳିଆ ତମ ଭିତରେ ସନ୍ଦେହ ଅଛି, ଏଇଟା ହଉଛି ଭଲ ସନ୍ଦେହ, ଇଟ୍ ଇଜ ଗୁଡ୍, ଦିସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସୁଡ୍ କମ୍। ତାର ଉତ୍ତର କଣ ନା, ଉତ୍ତର ହଉଛି ବୁଦ୍ଧୌ ଏବ ଅବଭାସେତ ସ୍ୱଚ୍ଛେଷୁ ପ୍ରତିବିମ୍ବବତ। ଆତ୍ମା କେବଳ ବୁଦ୍ଧି ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ, ଅବଭାସେତ, ଯେମିତି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଆଉ ତା କଣ୍ଡକ୍ଟର, ବିଜ୍ଞାନରେ କୁହାଗଲା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଆଉ ତା କଣ୍ଡକ୍ଟର, ଯେମିତି ଉତ୍ତାପ ଏବଂ ତାର କଣ୍ଡକ୍ଟର। ମେଟାଲ ଭିତରେ ଉତ୍ତାପଟା ଗୋଟେ ଦିଗରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଗକୁ ପ୍ରବାହିତ ହେଇପାରିବ। ଲୁହା ରଡ୍ଟେ ଯଦି ଆପଣ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଲେ ନିଆଁରେ, ତାହେଲେ ସେ ନିଆଁ ସେ ରଡ୍ ଦେଇକିରି ଏ ମୁଣ୍ଡରୁ ସେ ମୁଣ୍ଡ ଯେ ପଳେଇବ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବାଡ଼ିଟେ ଯଦି ଆପଣ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେବେ, କାଠଟେ ଭର୍ତ୍ତି କଲେ ନିଆଁ ଏ ମୁଣ୍ଡରେ ଧରିଲେ ସେ ମୁଣ୍ଡଟା ତାତି ନଥିବ। ଉତ୍ତାପ ସେ କଣ୍ଡକ୍ଟର ନୁହଁ, ଏଟା ଗୋଟେ ଇନ୍ସୁଲେଟେଡ। ଯେମିତିକି ମେଟାଲ ୱେୟାର, ତମ୍ବା ତାର, ସିଲଭର ତାର, ଏନି ମେଟାଲ ଭିତରେ ଦେଇ ବିଜୁଳି ଶକ୍ତି ପାସ୍ କରିଯିବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଦେଇ, ସିଲିକା ଦେଇ, ସିଲିକନ ଦେଇ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ପାସ୍ କରିପାରିବନି, ତେଣୁ ତାକୁ ଇନ୍ସୁଲେଟର ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଗଲା। ପୁଣି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟିର ଅଛି ସୁପର କଣ୍ଡକ୍ଟର, ସେମି କଣ୍ଡକ୍ଟର, ନନ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟର। ଠିକ ସେମିତି ଆତ୍ମାର ମଧ୍ୟ କଣ୍ଡକ୍ଟର ଅଛି। ଓ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଏମିତି କି ନା, ନା ଯଦିଓ ଦୁନିଆର ସବୁ ପଦାର୍ଥ ପଞ୍ଚମହାଭୂତରୁ ତିଆରି, କିନ୍ତୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ହଉଛି ଆତ୍ମାର କଣ୍ଡକ୍ଟର, ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ଆତ୍ମାର କଣ୍ଡକ୍ଟର ନୁହେଁ। ଏବଂ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରର ବୁଦ୍ଧି ବୁଦ୍ଧୌ ଏବ ଅବଭାସେତ, ବିଜ୍ଞାନମୟ କୋଷ, ମନମୟ କୋଷ, ଇଏ ବିଜ୍ଞାନମୟ କୋଷ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମା ପାଖରେ ଯାଇକିରି ପହଞ୍ଚି ଯାଏ, ଆତ୍ମାର ସମସ୍ତ ଗୁଣ ଧର୍ମ ବିଜ୍ଞାନମୟ କୋଷରେ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟ କରେ, ତେଣୁ ବିଜ୍ଞାନମୟ କୋଷ ଚୈତନ୍ୟ ହେଇଯାଏ। ଚୈତନ୍ୟ ହେଇଥିବା ବିଜ୍ଞାନମୟ କୋଷ ଯେତେବେଳେ ମନକୁ ଟଚ୍ କରେ, ମନ ବି ଚୈତନ୍ୟମୟ ହେଇଯାଏ। ଚୈତନ୍ୟମୟ ହେଇଥିବା ମନମୟ କୋଷ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାଣମୟ କୋଷକୁ ଟଚ୍ କରେ, ପ୍ରାଣମୟ କୋଷ ମଧ୍ୟ ଚୈତନ୍ୟମୟ ହେଇଯାଏ। ଚୈତନ୍ୟମୟ ହେଇଥିବା ପ୍ରାଣମୟ କୋଷ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ନମୟ କୋଷକୁ ଟଚ୍ କରେ, ତାପରେ ଯାଇକିରି ଅନ୍ନମୟ କୋଷ ଚୈତନ୍ୟମୟ ହୁଏ, ଚେତନତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆତ୍ମା ଅନ୍ନମୟ କୋଷକୁ ଚୈତନ୍ୟମୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଆତ୍ମାକୁ ପ୍ରକାଶିତ କରିବାର କ୍ଷମତା ଅନ୍ନମୟ କୋଷର ବା ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରର ନାହିଁ। କେମିତି ଯଥା ଯୋଉଭଳି ସ୍ୱଚ୍ଛେଷୁ ପ୍ରତିବିମ୍ବବତ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ପଡୁଛି, କିନ୍ତୁ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହଉନି। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ପାହାଡ ଉପରେ ପଡୁଛି, ମାଟି ଉପରେ ପଡୁଛି, ପାଣି ଉପରେ ପଡୁଛି, କିନ୍ତୁ ପାହାଡରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରତିଛବି ଆମକୁ ଦିଶୁନି, ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଆମକୁ ଦିଶୁନି ଆମ ଆଖିକି। ମାଟି ଉପରେ ଆମକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରତିଛବି ବା ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଦିଶୁନି, କିନ୍ତୁ ପାଣି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ଆମକୁ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଦିଶୁଛି। ସ୍ୱଚ୍ଛେଷୁ ପ୍ରତିବିମ୍ବବତ, ଆପଣ ଗୋଟେ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟିଂ ମିଡିୟମ ଦରକାର, ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ ହବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟିଂ ମିଡିୟମ ଦରକାର। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ପାଣିରେ ବି ପ୍ରତିବିମ୍ବ ପଡୁଛି, ଯଦି ପାଣି ନିର୍ମଳ ଥିବ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଆହୁରି ସ୍ପଷ୍ଟ ଦିଶିବ, ଯଦି ପାଣି ସ୍ଥିର ଥିବ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦିଶିବ, ଯଦି ପାଣି ଗୋଳିଆ ଥିବ, ଯଦି ପାଣି ଚହଲୁ ଥିବ ପ୍ରତିବିମ୍ବଟା ସ୍ପଷ୍ଟ ଦିଶିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରି ରିକ୍ୱିଜାଇଟ୍ କଣ୍ଡିସନ ଦରକାର,
तेणु आत्मार जो प्रतिबिंब आत्मार जो प्रकाश अवभासन आत्मा चित स्वरूप से चेतना भाव प्रकाश पाइबा सूक्ष्म शरीर जरूरी सूक्ष्म शरीर विज्ञानमय कोश जरूरी तेणु जोठी जोठी सूक्ष्म शरीर अच्छी से आत्मा चित्रु चैतन्य चेतना भाव प्रकाश पाउछि गच्छरे अच्छी पशुरे अच्छी पक्षी अच्छी कीटरे अच्छी पतंग अच्छी एककोशी प्राणी बहुकोशी प्राणी अच्छी मनीषरे अच्छी जहाँ आमे कंसाइंस कंसाइन बोली कुछ कंसाइन चेतना तेणु कॉन्शियसनेस रो जो मैनिफेस्टेशन आमे देखुचे मैनिफेस्टेड कॉन्शियसनेस तेणु पूरा जो माटी पानी पत्थर ये जड़ वस्तु रे कॉन्शियसनेस अच्छी किंतु सी मैनिफेस्टेड में अनमैनिफेस्टेड वाई ना ताको मैनिफेस्ट करेवा पाई जो माध्यम दरकार जो कंडक्टर टा दरकार सी नाही कौन से ना विज्ञानमय कोश सूक्ष्म शरीर नॉट अवेलेबल से जड़ शरीर टा मरी जाए मान कौन जो शरीर मरी जाए ता भीतर भी आत्मा अच्छे किंतु से शरीर भीतर आउ सूक्ष्म शरीर ना ये जड़ शरीर रु सूक्ष्म शरीर छाड़ी अन्य गोटे शरीर उद्देश्य पड़े से आमको से अचेतन भाई दिशे जना पड़े कहीं ना से आउ चेतनता प्रकाश पा ये सब हूँ सूक्ष्म शरीर प्रेजेन्स सूक्ष्म शरीर आबसेन्स स्वच्छेषु प्रतिबिंब पुनी सूक्ष्म शरीर जेतिक स्वच्छ हब प्रतिबिंब से स्पष्ट हब से अंतकरण शुद्धि अंतकरण शुद्धि माने कौन विज्ञानमय कोशर निर्मलता एवं स्थिरता मनमय कोशर निर्मलता एवं स्थिरता ऊपर प्राधान्य दिया निर्मलता हूँ तमो गुण विजुक्त हेले निर्मल हब रजो गुण विजुक्त हेले स्थिर तेणु अंतकरण रु मन बुद्धि चित्त अहंकार अंतकरण भितर जदि रजो गुण एवं तमो गुण वर्जित हो गला जितकी मात्र सत्व गुण बढ़ सेपाई गीतारे कहुचे निर्मलत्वात सत्व गुण लक्षण हूँ निर्मलत्वात प्रकाशकम सत्व गुण निर्मल होता जो ये प्रकाशकर काम करे क्या प्रकाशित करे ना आत्मा को प्रकाशित करे आनंद को प्रकाशित करे चित की प्रकाशित करे से आपण मन जी पॉजिटिव थाए आपण को भीतर से खुशी मिले मन जी निर्मल थी आपन से खुशी मिले तेणु स्वच्छेषु ओहो बुझीपाल अच्छा अच्छा हाँ एवं बुझिले आत्मा सर्वव्यापक किंतु गोटे जगार प्रकाशित होटे जगार प्रकाशित होना अच्छा हाँ वेरी गुड जो सूक्ष्म शरीर बा विज्ञानमय कोश अच्छी से प्रकाशित होटी सूक्ष्म शरीर बा विज्ञानमय कोश नाही से प्रकाशित होना ओहो अच्छा ये सब विज्ञानमय कोश रेल ये सब सूक्ष्म शरीर रेल ये सब माइंड रेल आम भावुल ये आत्मा ना 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 आत्मा तो सर्वव्यापक नंबर वन डाउट क्लियर वेरी गुड थैंक यू गुरुजी आचार्य कह नेक्स्ट डाउट कौन नेक्स्ट डाउट देहेन्द्रिय मनो बुद्धि प्रकृति भ्यो विलक्षण तद्वृत्ति साक्षिणं विद्यात् आत्मानं राजवत् सदा ये आउ गोटे डाउट आसला तो जे आत्मा सबुबले ये पंचकोश द्वारा युक्त होकरी थाए पंचकोश कोंतु बाय तीनटा जाक शरीर कोंतु आत्मा सबुबले मनकर मु कथा कहुछ माने मो भीतर वर्तमान मो स्थूल शरीर अछि
मो सूक्ष्म शरीर अच्छी मो कारण शरीर अच्छी चैतन्य चेतना आत्मा अच्छी चार्टा जगह एकाठी मिसिकी अच्छी आपण देखिबे ये स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर कारण शरीर स्वभाव होउछि जणक द्वारा आउ जणे अफेक्टेड हो जाए। यदि आप देह खराब हो गला आपणकर मन अफेक्टेड हो जीव मन अफेक्टेड हो गले आपणकर प्राणमय कोष अफेक्टेड हो जीव आपण देखो जी मन भल नाही आपणकर डाइजेशन हबो नाही जदि मन जदि डरी जाइछि ब्लड सर्कुलेशन फास्टर हबो जदि आपण जोर रागी जाइछेंति आपणक श्वास रेस्पिरेटरी सिस्टम फास्टर फंक्शन करबो। ओ हम तो ठीक कथा कहछन स्वामी जी आपण अगर मु केतल भूल कथा कहे अच्छा पुणी आप देखिए मन जदि आपणकर बिगिड़ी जाइछि आपणक बुद्धि भी ठीक भाबर फंक्शन करे बुद्धि भी अफेक्टेड हो जीव ध्यायतो विषयान पुंस संगस्ते सुपजायते संगात संजायते काम कामात क्रोधो भी जायते क्रोधात भवति सम्मोह सम्मोहात स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रमसात बुद्धि नाश तमने माइंड रो चेंजेस मध्य बुद्धि की आपण अफेक्ट कर आपण को बुद्धि ठीक भावे फंक्शन करिवो ना गोटे स्त्री टे रागी गला बेले ता स्वामी की जो सब साम वेद शुणब आहा वेदांत क्लास को स्वामी मान आसिले कहीं सी कि ठीक भाव जिनिस रिसीव कर कहले सी शुणी 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 भितर टा पूरा बुद्धिराए इनसेनसीटिव माइंड मान रिसीप्टिविटी जीरो कहीं स्वामी जी आप जानिना स्त्री मानकर वाणी ओहो ब्रह्म पद्म तोला तेणु से पद्म तोलू बचे भितर एत प्राक्ट कर जीवन सारा एकान्रे पुरा सेकान्रे बाहर एकान्रे पुरा सेकान्रे बाहर तेनाली जड़वत व्यवहार कर ना तो चली हम तेनाली जो अभ्यास रही जा वेदांत सुनला आँचे मो जा कहले एकान्रे पुरे सेकान्रे बाहर अरे भाई वेदांत शुणा पड़े सजाग उत्तिष्ठ तो जाग्रत तो भीतर को सुनिबा मनुष्य को जगा उठा भाई तो सोई पड़ी छे ता माने ये जो तीनटा जक कोष बा शरीर उपाधि शरीर रो गुण धर्म द्वारा मन अफेक्ट हो जाउची मन अफेक्टेड हो गले प्राण अफेक्ट हो जाउची प्राण अफेक्ट हो गले विज्ञानमय कोष अफेक्ट होउची ये सब गुडा जो अफेक्ट हो जाऊँगी आपण को आनंदमय कोष भी अफेक्ट हो जाऊँगी आपण को निद भी अफेक्ट होद हम बहुत गुड चिंता थी आप रात हम रात सारा अनिद्रा बहुत एक्साइटेड हो गले निद हबनी बहुत टेंशन हो जाते निद हबनी बहुत दुख भी हो जाते निद हबनी आनंदमय कोष भी अफेक्टेड तेणु ये जो उपाधि रही स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर कारण शरीर जो पांचटा कोष ये जनकर गुण धर्म द्वारा आज जन अफेक्टेड हो जाए से जगिक चलवा बड़ आवश्यक पड़े कमी जन द्वारा आज जन अफेक्ट न हो से टेक्निक आमको आध्यात्मिक मेथड रे शिखा जाए तो शरीर असुस्थ हेले केमिति मन को शरीर ठारु अलग रखिबु ए टेक्निक सीख मन दुख हेले केमिति बुद्धि की मन ठारु प्रोटेक्टेड रखिबु तो विवेक को बजाय रखिबु ए टेक्निक सीख किंतु आत्मा होचे ए भलिया गोटे से अछि से सबुथा भी सबु भीतर अछि से स्थूल शरीर भीतर अछि फेंटा फेंटी अच्छी से सूक्ष्म शरीर भीतर फेंटा फेंटी अच्छी से कारण शरीर भीतर फेंटा फेंटी अच्छी किंतु कहार गुण धर्म को सी एक्सेप्ट करे नाही कि सी ग्रहण करे नाही सी होची ओडिया घर रो करण
आत्मा हला ओडिया घर करण करण माने कौन करण पिला जो आमको शुणीचु करण लाइफ स्टाइल हूँ महांति सबुथिरे थांती कहार नुहंती जो माने करण जातिर दयाकरी भूल बुझे मुझे जाति के आक्षेप कर गोटे एग्जाम्पल दौर मजा पाए सबुथिरे थांती किंतु से कहार नुहंती पूरा झाड़ी झुड़ी कर पूरा निष्पक्ष ना एपट रहे ना सेपट रहे कहार नुहत कौर से मैंने अलिप्त निरपेक्ष निष्पक्ष आत्मा हूँ से भाया गोटे पदार्थ आत्मार लक्षण हूँ से आत्मा को आपण कौथे लिप्त करेले भी से लिप्त हब ना जमी शास्त्र उदाहरण देला पद्म पत्रम इव अम्बसा जमी पद्म पत्र को पानी रे बुड़ी तीन वर्ष रखु तीस वर्ष रखु तापर से पद्म पत्र को पानी रे बाहर कले पा लगे खसी पड़ो से पत्र गोटे लेयर तैयारी कर प्रकृति देची पद्म पत्र एग्जांपल कहीं दिगला कहले ना पद्म पत्र स्वभाव हूँ पानी रु जन्म पानी रे बढ़ प्राणी रे ही मर जीवन सारा से केवल पानी रे ही रही सारुपत्र भी पानी लगे नहीं सारुपत्र वर्षा बेले ऊपर पानी पड़े काकर पड़े कि पानी रे बढ़ुनी किंतु पद्म पत्र तो तार जीवन हूँ पानी किंतु आत्मा सब बेले उपाधि सहित आत्मा सब बेले कारण शरीर सहित आत्मा सब बेले स्थूल शरीर सहित सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर सहित सब बेले न रही पारे तो सर्वव्यापक सब बेले किंतु आत्मार लक्षण हूँ से विलक्षण विलक्षण माने विपरीत लक्षण स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर कारण शरीर जहा लक्षण आत्मार से लक्षण नुहे आत्मा से इनवल्व हुए ना आत्मा प्रेजेंस तीन टा जाक शरीर फंक्शन करे किंतु ये फंक्शनिंग द्वारा आत्मा अफेक्टेड हुए ना से कथा कह देह इंद्रिय देख देह है अन्नमय कोष इंद्रिय है प्राणमय कोष मन है मनोमय कोष बुद्धि है आनंद विज्ञानमय कोष प्रकृति है आनंदमय कोष देह स्थूल शरीर इंद्रिय मन बुद्धि सूक्ष्म शरीर प्रकृति कारण शरीर तेभ्य एमानंक ठारु प्रकृतिभ्य एमानंक ठारु विलक्षण विपरीत लक्षण जी सी हूँ आत्मा आत्मा आत्मार लक्षण एमानंक लक्षण हूँ विपरीत आत्मा हूँ तद वृत्ति साक्षिणम विद्या आत्मा ये सबुर फंक्शन की साक्षी भाव जानु थाए आत्मा को जाने जे आत्मा हूँ ये सबुर देह एवं देहर फंक्शनिंग साक्षी इंद्रिय इंद्रियर फंक्शनिंग साक्षी मन एवं मनर फंक्शनिंग साक्षी बुद्धि एवं बुद्धिर फंक्शनिंग साक्षी प्रकृति एवं प्रकृतिर फंक्शनिंग साक्षी एई भली भाव आत्मा को बुझु तु यही न बुझु तु आत्मा को बुझी पार तर कन्फ्यूजन तद वृत्ति साक्षिणम विद्या आत्मान आत्मा को ये सबुर वृत्ति एवं तार साक्षी भाव केमिति ना राजवत सदा जमी राजा टे दरबार में चलुआ सब आक्टिविटी साक्षी उदाहरण दिगला से समय उदाहरण से समय जहा उदाहरण अवेलेबल थिला राजा मान सब दरबार बसे राजा सब सिंहासन आसी बसिले दरबार कार्य आरंभ हम दरबार आर्गुमेंट है
दरबार डांसर डांस कला दरबार विदूषक हास्य रस विनोद परिवेशन कला दरबार मल्ल युद्ध चलला दरबार राजा बसिला से चुपचाप राजा सिंहासन बसिले से स्टार्ट हेला राजा सिंहासन उठी चली गले से एक्टिविटी बंद हो जाए किंतु ये डांस चलला बेले राजा डांस करूना ये खंडा खेल चलला बेले राजा खंडा खेल करूना सामने जहाँ घटू खाली राजा तार साक्षी किंतु राजा से घटना रे इनवॉल्व होना राजा निभरे एक्टर इन दैट एक्शन व्हाट इज हैपनिंग इन फ्रंट ऑफ ठीक से आत्मा हूँ राजा भाया आत्मार प्रेजेन्स रे शरीर फंक्शन करुची आत्मार प्रेजेन्स रे इंद्रिय फंक्शन करुची आत्मार प्रेजेन्स रे मन फंक्शन करुची आत्मार प्रेजेन्स रे बुद्धि फंक्शन करुची आत्मार प्रेजेन्स रे प्रकृति बासना फंक्शन करुची किंतु आत्मा सेमानंकर गुण धर्म द्वारा लिप्त होना आत्मार नेचर होचि तेणु से कह जाए आत्मा हूँ साक्षी आत्मा हूँ साक्षी तेणु तू जिते बड़े आत्मा को चिंतन करू आत्मा सांगे मन को युक्त करूँ आत्मा हूँ साक्षी मु भी साक्षी शरीर असुस्थ हेले मु असुस्थ हुए ना मन अशांत हेले मु अशांत हुए ना बुद्धि अपमानित बोध कले मु अपमानित बोध करे ना चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम से आदि शंकराचार्य जो आत्मा को अभ्यास करने भिन्न भिन्न स्तोत्र लिखते निर्वाण शटकम प्रात स्मरण स्तोत्र ब्रह्मानंद ज्ञानावली ब्रह्मानंद ज्ञानावली लिखिंट असंगोहम 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 पुनः पुनः सच्चिदानंद रूपोहम अहम आत्मा अहम अव्ययः तीन थर असंगोहम असंगोहम स्थूल शरीर ठारु मु असंग असंगोहम सूक्ष्म शरीर ठर्म असंग असंगोहम पुनः पुनः कारण शरीर ठर्म असंग किए सच्चिदानंद रूपोहम मूर्छि सत्स्वरूप चैतन्य स्वरूप आनंद स्वरूप अहम आत्मा अहम अव्यय अव्यय मान पूर्ण तुटी क्षय नहीं कि वृद्धि नहीं जो आम निधिध्यासन पढ़वा ये सब तेणु ध्यान पाई निधिध्यासन अभ्यास शंकराचार्य भगवान आत्मज्ञान कौन न कर सब पूरा गोटी गोटी कर आत्मज्ञान खाली नहीं सब भक्ति पाई कौन कौ स्तोत्र से लिखि ना जगन्नाथ भी स्तोत्र लिखे सब ठाकुर से स्तोत्र आम पूर्वज मान आचार्य मान भगवान वेद व्यास आरंभ कर सब आम पूरा प्रस्तुत कर डबार पशिक थुआ है कुकड फुड आप खोलिए खाइबे कि आम एडे अभगा खाऊ भी ना पार्टी तो खोल कि छोट छुआ को माँ ठेसे कहला भाया आमे आसिक ठेसे खुआ आरे देख आम गुरु मान पढ़े आम पूर्व सूरी मान ये सब लिखिकी रांधिकी अरे पट्टी खोल खाओ सका उठ छा बेल हालो हरिओम उठ के जन महाभक्त अच्छा सब महाभक्त आमको फोन कर उठा पड़े अरे क्लास हम उठिल ओ हो स्वामी जी थैंक यू हाँ सी पी आमको पुणी रात कंट दौर स्वामी टे सका उठे अच्छा स्वामीजी तेज प्रवचन देवे पुणी सका उठे देवे ते वेरी गुड पुणी से पुणी लोक अच्छा पेंडाटे स्वामीजी का मो झी आसी रात घर पहुंची
तेणु आम भोर टे क्लास करें कहीं झीला पकुड़ी तैयारी हम आप मन दुख करें मैंने सी क्लास नक मो मन दुख आलो बाड़े जा तू क्लास नक मोर कौन असुविधा हम तू दुख पाइले मोर कौन असुविधा हम सत्य लोक भाव से क्लास अटेंड कर ओबिलइजिंग मी दे आर ओबिलइजिंग शंकराचार्य दे आर ओबिलइजिंग व्यासदेव दे आर ओबिलइजिंग चिन्मय मिशन दे आर ओबिलइजिंग चिन्मयानंद दे आर ओबिलइजिंग ऑल गुरु दे आर ओबिलइजिंग उपनिषद मन दुख करें मन दुख अच्छा अच्छा भाषाण लोक आप कौन कहे से शंकराचार्य कहले मुद्गर ए भाया लोक मानी मुद्गर दरकार ये बाणी उठबेनि आगे पहाड़ दर भज गोविंद ना हूँ मोह मुद्गर भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते हे मूढ़ मन उठा गोविंद को भजन कर गोविंद को भजन माने खाली भक्ति नुहे गोविंद शब्दर अर्थ मध्य आत्मा आत्मतत्व गोभी इंद्रिय विंध्यते इति गोविंद भज धातुर अर्थ मध्य हूँ भज सेवायाम भज धातुर अर्थ मध्य हूँ भजन करवा भल पाइबा भज धातुर अर्थ मध्य हूँ खोजा अन्वेषण कर भज गोविंद कि आम कह ना आम कर संप्राप्ते सन्नीते काले नही नही रक्षति बाबरे की बाणी अरे जेतेबेले काल आसिकी पहुंचब ते किए रक्षा कर आम खांटी ओडिया भाषा तो पीठ रे किए पड़ बाबा तो स्वामी तो स्त्री तो झीओ पकुड़ी एगुड़ा पीठ रे पड़े किए कार अरे बंची थाउ थो बरा देखु बर्तमान स्वामी स्त्री गोटे घरे अच्छा स्वामी स्त्री अंटा कौन हो पूरा जंत्रणा स्वामी घर को फिर कौन है तुम अंटा भल ना नाई ओहो बहुत खुशी मान बहुत दर देख कर ओहो कहला स्त्री एम स्वामी तेरे बस कर मोबाइल रे फेसबुक देखुच कि दर दी टी लाज लगुनि आपण मान को हस्पिटाल अटेंड करने को स्त्री की मोबाइल रे देखुच टुंगुड़ टुंगुड़ अरे से लोकटा सामना रे गपसप कर मोबाइल रे देखुच ये मोबाइल जब आसला ये मोह माया सब पदार पकते लोक आप अरे स्त्री छुआटे से छुआ क्षीर खाया छुआटे मटर क्षीर खाइब लाइन पड़ेगा बुझे छुआ मा छुआ को क्षीर खाई दे खोई दूचे आड़े बस मोबाइल देखुच आड़े छुआ क्षीर खाइला कितने लुणि पक खाइला डजन बदल कौन तो देख यूट्यूब गोटे देखु थी से माँ ता छुआ को गोड़े बांधि एवं से गोड़ को कौन कर बाथरूम टप्रेम हल्ला छुआ गादी माँ बस कर तल को जाल उपर तल को आल उपर को गोटे घरे डाइनिंग ड्रॉइंग रूम रे माँ छुआ हजबैंड सब एकाठी बस सामना सामने कई क्या मुह कहू ना कई क्या गपसप करना फोन सीता संसार लगी संसार लगी संसार आप शुणिले आप मोह केमी के नील ठाव अठा छाड़ी आमको भी तिक्त शब्द कहवा भी तिक्त लगुच जगुना सका तु क्लास कला तु भाचु तु मोर ओबिलइज कर स्वामीजी मन दुख कर क्लास कर आम सरी क्या सरी हो तु जो मान सरी हूँ सी तो पीठ पड़े सागर नहीं जी आना जाना सभी तो जाना कब जाना है कोई न जाना निश्चित तो जीव तु के जानचु ना ना मुझे काली ठारू कर अरे काली पर्यंत थीबू
ଆଜି ରାତିରେ ଶୋଇଲେ କାଲି ଉଠିବୁ ବୋଲି ତୋର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି? ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ଟିକେ ମୋହ ଭାଙ୍ଗନ୍ତୁ, ନିଜର ଆତ୍ମକଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତୁ, ନିଜର ଉନ୍ନତି କରନ୍ତୁ, ନିଜର ଉନ୍ନତି। ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ କୁହନ୍ତି, କସ୍ତ୍ୱମ୍ କ ଅହମ୍ କୁତ ଆୟାତ କାମେ ଜନନୀ କୋ ମେ ତାତ। ଇଏ ବୈରାଗ୍ୟ ଟିକେ ଆଣନ୍ତୁ, ବୈରାଗ୍ୟ ଟିକେ ଦରକାର, ମୋହ ଟିକେ ଭାଙ୍ଗୁ। ଆତ୍ମା ହଉଛି ବିଲକ୍ଷଣ, ରାଜବତ ସଦା, ରାଜବତ ସଦା। ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ହେଲେ ବି ମୁଁ ଶରୀର ନୁହେଁ। ଅସଙ୍ଗୋହମ୍ 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 ପୁନଃ ପୁନଃ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରୂପୋହମ୍ ଅହମ୍ ଆତ୍ମା ଅହମବ୍ୟୟଃ। ତେଣୁ ଆତ୍ମାକୁ ଯଦି ଆମେ ଅନୁଭବ କଲେ, ମୁଁ ଆତ୍ମା ବୋଲି ଯଦି ବୁଝିଗଲେ, ତାହେଲେ ଆତ୍ମାର ଲକ୍ଷଣ ମୋର ଲକ୍ଷଣ ହବ। ଆତ୍ମାର ଲକ୍ଷଣ କଣ? ଦିଶି ତ ଆତ୍ମାର ଲକ୍ଷଣ, ଆତ୍ମା ହଉଛି ଅସଙ୍ଗ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆତ୍ମା ଶୁଦ୍ଧ। ଗୀତାରେ କୁହାଗଲା, ନିର୍ଦ୍ଦୋଷମ୍ ହି ସମମ୍ ବ୍ରହ୍ମ। ଆତ୍ମା ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସମାନ ଭାବରେ ଥାଏ, କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଆତ୍ମା ହଉଛି ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ, ମାନେ ସେ ଦୋଷ ଯୁକ୍ତ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ହେଲେ ବି ସେ ଅସୁସ୍ଥ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ମନ ଅଶାନ୍ତ ହେଲେ ବି ସେ ଅଶାନ୍ତ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ବୁଦ୍ଧି ଆଘାତ ପାଇଲେ ବି ସେ ତାକୁ ଆଘାତ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ନୈନମ୍ ଛିନ୍ଦନ୍ତି ଶସ୍ତ୍ର ନ ଚ ଏନମ୍ କ୍ଲେଦୟନ୍ତି ଆପ ନ ଶୋଷୟତି ମାରୁତ। ଆତ୍ମାକୁ କେହି କିଛି ବିଗାଡି ପାରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ବିଗିଡ଼ିବାର ଜିନିଷଟେ ନୁହେଁ, ସେ ବିଗିଡ଼ିବାର ଜିନିଷଟେ ନୁହେଁ, ସେ ନିଜେ ବିଗିଡ଼ି ଯିବ ନାହିଁ। ଯେମିତି ଦହିଟା ନିଜେ ବିଗିଡ଼ି ଯାଏ, ଦହି ନିଜେ ଛିଡ଼ି ଯାଏ, ଆତ୍ମା ନିଜେ ବିଗିଡ଼ିବ ନାହିଁ କି କେହି ତାକୁ ବିଗାଡ଼ିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ବି ସେ ବିଗିଡ଼ିବ ନାହିଁ। ସ୍ୱତଃ ବା ପରତଃ ଈଶ୍ୱରତଃ, ଭଗବାନ ବି ଚାହିଁଲେ ଆତ୍ମାର ଗୁଣକୁ ବିଗାଡ଼ି ପାରିବେନି, କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ନିଜ ଗୁଣ। ଆତ୍ମା ହଉଛି ସଦା ଶାନ୍ତ, ସଦା ଆନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ, ସବୁବେଳେ ଶାନ୍ତ ସ୍ୱରୂପ, ଆନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ। ସେଥିପାଇଁ ଆତ୍ମାର ନାଁ ହଉଛି ଶୁଦ୍ଧ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନିଟିରେ କୁହାଯାଏ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା, ପବିତ୍ର, ପବିତ୍ର ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଏଇଆ, ଯାହାକୁ ବାହାରର ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସେସ୍ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ପିଓର ସୋଲ, ପବିତ୍ର, ଶୁଦ୍ଧ, ପବିତ୍ର, ଅସଙ୍ଗ, ଅସଙ୍ଗୋହମ୍ 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 ପୁନଃ ପୁନଃ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରୂପୋହମ୍ ଅହମ୍ ଆତ୍ମା ଅହମବ୍ୟୟଃ। ଥରେ ଯଦି ଆପଣ ଏ ଟେକ୍ନିକ କି ଶିଖିଗଲେ, ଆତ୍ମଜ୍ଞାନର କୌଶଳକୁ ଜାଣିଗଲେ, ପରିବାରରେ ଯେତେ ଅଶାନ୍ତି ଥାଉ, ଆପଣ ଟିକେ ଆତ୍ମା ପାଖକୁ ଚାଲିଗଲେ, ଆ କି ଶାନ୍ତି, ମୋ ଚାରିପାଖରେ ଯେତେ ଦୁଃଖ ଘେରି ହେଇକିରି ଥାଉ, ଯଦି ମୁଁ ଧୀରେ କିରି ଆତ୍ମା ପାଖକୁ ଚାଲିଗଲି, ଆ କି ଆନନ୍ଦ, କି ସୁଖ। ଦିନ ସାରା ବହୁତ ଜଞ୍ଜାଳ ସ୍ୱାମୀଜୀ, ମୋର ବହୁତ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି, ଯଦି ଆପଣ ଆତ୍ମା ପାଖକୁ ଚାଲିଗଲେ, ଆ କି ଆରାମ, କି ବିଶ୍ରାମ। ଗୀତାରେ କୁହାଯାଉଛି, ଅନ୍ତ ସୁଖ ଅନ୍ତ ଆରାମ ତଥା ଅନ୍ତର ଜ୍ୟୋତିରେବ ୟଃ। ଏଇ ଯୋଉଟା କେମିତି ସମ୍ଭବ, ପିସ୍ ଇନ୍ ସ୍ପାଇଟ୍ ଅଫ୍ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସେସ୍, ଜୟ ଇନ୍ ସ୍ପାଇଟ୍ ଅଫ୍ ସରୋ, ଏଇଟା କେମିତି ସମ୍ଭବ?
ଏଇଟା କେବଳ ସମ୍ଭବ ଯଦି ଆତ୍ମାର ଏଇ ଗୁଣକୁ ଆମେ ବୁଝିକି ଅଭ୍ୟାସ କରିଦେଲେ। କଣ ସାକ୍ଷୀ ସାକ୍ଷୀବତ ଆତ୍ମା ହଉଛି ସାକ୍ଷୀ, ସାକ୍ଷାତ ଇଚ୍ଛତେ ଆତ୍ମା ହଉଛି ଅସମ୍ଭବ। କୋଉ ଭଳିଆ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦିଆଗଲା, ରାଜବତ ରାଜା ଭଳିଆ। କାହିଁକି ନା ଏଠି ଡାଉଟ କଣ ନା, ଯଦି ଆତ୍ମା ଥିଲେ ଶରୀର ଫଙ୍କସନ କରୁଛି ତାହେଲେ ଶରୀରର ଗୁଣ ଦ୍ଵାରା ତ ଆତ୍ମା ଆଫେକ୍ଟେଡ ହବ ନା? ନା ନା, ନଟ ନେସେସରି। ଆତ୍ମା ଥିଲେ ଶରୀର ଫଙ୍କସନ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଶରୀର ଫଙ୍କସନ କଲେ ବି ଶରୀରର ନେଗେଟିଭ ଫଙ୍କସନିଂ ଦ୍ଵାରା ବା ପଜିଟିଭ ଫଙ୍କସନିଂ ଦ୍ଵାରା ଆତ୍ମା ଆଫେକ୍ଟେଡ ନୁହେଁ। ଆଉ ହାଉ ଇଟ ଇଜ ପସିବୁଲ? କାରଣ ଆମେ କଣ ଜାଣିଛେ, ଯଦି ଅଛି ଆଫେକ୍ଟେଡ, ଯଦି ଆଫେକ୍ଟେଡ ହଉ ନାହିଁ ତାହେଲେ ସେ ନାହିଁ। ସେ କହୁଛି ନା ଆତ୍ମା ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆଫେକ୍ଟେଡ ହଉ ନାହିଁ। ହାଉ ଲାଇକ କିଙ୍ଗ ରାଜବତ ରାଜା ଭଳିଆ। ଆପଣଙ୍କର ସିନା କିଙ୍ଗ ବିଷୟରେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିରେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦେଲେ ବୁଝିବି। ୟୋର ଜେନେରେସନ ମନେକର ଫ୍ୟାନ ଘୁରୁଛି, ତା ଭିତରେ କରେଣ୍ଟ ଅଛି ବୋଲି ଫ୍ୟାନ ଘୁରୁଛି, କିନ୍ତୁ କରେଣ୍ଟ ଏମିତି ଘୁରୁନି, କରେଣ୍ଟ ତା ଭିତରେ ଅଛି। ଫ୍ୟାନ ସ୍ମୁଥଲି ଘୁରିଲେ ବି କରେଣ୍ଟର କିଛି ଯାଏସ ନାହିଁ, ଫ୍ୟାନ ଖଟଖଟ ଖଟଖଟ ସାଉଣ୍ଡ କରି ଘୁରିଲେ ବି କରେଣ୍ଟର କିଛି ଯାଏସ ନାହିଁ। ହିଟରରେ କରେଣ୍ଟ ଅଛି, ହିଟ ଚାଲୁଛି, ହିଟ ଚାଲିବା ଦ୍ଵାରା କରେଣ୍ଟ ଗରମ ହେଇଯାଉନି। ଫ୍ରିଜରେ କରେଣ୍ଟ ଅଛି ବୋଲି ଥଣ୍ଡା ବାହାରକୁ ଆସୁଛି, ଇଏ ଥଣ୍ଡା ଦ୍ଵାରା କରେଣ୍ଟ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଉନି। କରେଣ୍ଟ ଖାଲି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟର ଗୁଣଧର୍ମ ଦ୍ଵାରା, ଡିଭାଇସେସର ଗୁଣଧର୍ମ ଦ୍ଵାରା କରେଣ୍ଟ ଇଜ ନଟ ଆଫେକ୍ଟେଡ। ସେ ସମୟରେ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସମୟରେ ତାକୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ନଥିଲା, ସେ କହିଲେ ରାଜା ହେ ଦେଖୁଛ ରାଜ ଦରବାର ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ଚାଲିଛି, ରାଜା ବସିଛନ୍ତି ଚୁପଚାପ, ରାଜାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଚାଲୁଛି, ଯିଏ ଡ୍ୟାନ୍ସର ସେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରି 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 ଝାଳ ନାଳ ହେଇଗଲାଣି, ଥକି ପଡ଼ିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ରାଜା ତ କିଛି ହଉନାହାନ୍ତି, ରାଜା ତାଙ୍କର ବସିଛନ୍ତି ଡ୍ୟାନ୍ସ ଚାଲିଛି। ରାଜା ହେଲେ ସାକ୍ଷୀ, ରାଜାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଖଣ୍ଡା ଖେଳାଳି ଖଣ୍ଡା ଖେଳ କରୁଛନ୍ତି, ଖଣ୍ଡା ଖେଳରେ ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ କ୍ଷତାକ୍ତ ହେଇଗଲେଣି ଖଣ୍ଡା ବାଜିକିରି, କିନ୍ତୁ ରାଜାଙ୍କ ଦେହରେ ତ କିଛି ବ୍ଲଡ ବାହାରୁନି, ରାଜା ସାକ୍ଷୀ। ରାଜାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଚାଲିଛି, ରାଜା ବସିଛନ୍ତି ବୋଲି ଚାଲିଛି, ରାଜା ପାଇଁ ଇଏ ସବୁ ଚାଲିଛି, ହେଲେ ରାଜା ନଥିଲେ ଏଗୁଡା କିଛି ଚାଲନ୍ତାନି। ଇଏ ସବୁର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜା, କିନ୍ତୁ ଇଏ ସବୁର ଗୁଣଧର୍ମ ଦ୍ଵାରା The king is never affected like that। ଆତ୍ମା ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର କାରଣ ଶରୀରର ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ ଦ୍ଵାରା, ପଜିଟିଭ ଆକ୍ଟିଭିଟି ହଉ କି ନେଗେଟିଭ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ ହଉ, ଇଜ ନେଭର ଆଫେକ୍ଟେଡ। ଅସଙ୍ଗୋହମ 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 ପୁନଃ ପୁନଃ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରୂପୋହମ ଅହମ୍ ଆତ୍ମା ଅହମ୍ ଅବ୍ୟୟ। ହେଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ଡାଉଟ। ତୃତୀୟ ଡାଉଟ ହଉଛି, ଇଭିନ୍ ମନେକର ମୁଁ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେବି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଡାଉଟ ଆଜି କହୁଛି, କାଲି ଆକୁ ଡିସ୍କସନ କରିବି। ସିଏ କହୁଛି ମୋ ଆଙ୍ଗୁଠି ଉପର ତଳ ହଲୁଛି, ହେଲା ନା? ହଁ, ଏ ଆଙ୍ଗୁଠି ଉପର ତଳ ହଲିଲେ ବି ଆ ଭିତରେ ଯୋଉ ଚେତନା ଅଛି ସେ ଚେତନା ହଲୁ ନାହିଁ। ଆରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ହଲୁଛି କିନ୍ତୁ ଚେତନା ହଲୁ, ହେଲା କେମିତି? ଆତ୍ମା ସେଇଭଳି ଭାବରେ, ଆତ୍ମା କୁଆଡେ ଆସେ ନାହିଁ କି କୁଆଡେ ଯାଏ ନାହିଁ, ଆତ୍ମା ଯୋଗୁ ସବୁ ଗତି ହଉଛି କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ଗତି କରେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଉପନିଷଦରେ କହିଲା ଯେ ଆସି ନହ ଦୂରମ ପ୍ରଜତି ଶୟାନ ୟାତି ସର୍ବତ୍ର। ଆତ୍ମା କୁଆଡେ ଆସେ ନାହିଁ କି କୁଆଡେ ଯାଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତା ଯୋଗୁ ସବୁ ଗତି ମୁଭମେଣ୍ଟ ହଉଛି। ମାନେ ଯେତେ ଗତି ଚଳନ, ଇଏ ଚଳନ ଆତ୍ମା ଯୋଗୁ ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ଜମା ଚଳେ ନାହିଁ, ଆତ୍ମା ହଉଛି ଅଚଳମ ସ୍ଥିରମ। କଣ ଇଏ? ସେଥିପାଇଁ ନୀଳାଚଳ, ଏ ନୀଳାଚଳ ବାଲା ସିନା ନୀଳାଚଳକୁ ବୁଝିଲେ ହବ, ଏ କଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜଣା, ଆଉ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ବି କରୁନା।
କାଲି ପ୍ରଥମ କରି ଜଣେ ମତେ ଫୋନ କଲେ ପୁରୀବାସୀ, ଯେ ସ୍ୱାମୀଜୀ ଏ ଦ୍ୱୈତରୁ ଅଦ୍ୱୈତକୁ ଯିବା କେମିତି, ଏ ଜୀବନ ସାରା କଣ ଖାଲି ପୂଜା କରୁଥିବା? ଆମେ କହିଲୁ ଭେରି ଗୁଡ୍, କମସେ କମ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଜିଜ୍ଞାସା, ଯେଉଁ ଯିଏ ଭିତରେ କହୁଛି ମୁଁ ଦ୍ୱୈତରୁ ଅଦ୍ୱୈତକୁ ଯିବି, ସେ ଯେମିତି ହେଲେ ଦିନେ ଯିବ। ନୀଳାଚଳ ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ରଥ, ଆଜି ରଥ ବୋଧେ ବାହାର, ତେଣୁ ଆଜି ଦିନରେ ଏତେ ଗୁଡ଼େ ନେଗେଟିଭ କହିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ନା ବୁଦ୍ଧି ବେଦମ ଜନୟେ ଅଜ୍ଞାନମ କର୍ମ ସଙ୍ଗୀନାମ। ଆରେ ନୀଳାଚଳ ନିବାସାୟ ସବୁବେଳେ ପଢୁଛେ, ନୀଳାଚଳ ନିବାସାୟ, ତାପରେ ନିତ୍ୟାୟ, ତାପରେ ପରମାତ୍ମନେ। ତେଣୁ ଯିଏ ପରମାତ୍ମା ସିଏ କେମିତି ନୀଳାଚଳ ନିବାସ ହେଇପାରିବେ? ତେଣୁ ନୀଳାଚଳ ମାନେ ନୀଳ ପର୍ବତ, ସେଇ ଯୋଉ ପୁରୀର ଯୋଉ ମୁଣ୍ଡିଆ ପାହାଡ ତା ଦେହରେ ବସିଛନ୍ତି। ଆରେ ଯିଏ ପରମାତ୍ମା ସେ ତାରି ଦେହରେ କେମିତି କନଫାଇଣ୍ଡ ହେବେ? ଯଦି ତାର ଦେହରେ କନଫାଇଣ୍ଡ ହେବେ ସେ ପରମାତ୍ମା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ପରମାତ୍ମା ହେବେ ସେ ସର୍ବବ୍ୟାପକ ହବା ଦରକାର। କେମିତି ତାହେଲେ କବି ଲେଖିଲେ ନୀଳାଚଳ ନିବାସାୟ ନିତ୍ୟାୟ ପରମାତ୍ମନେ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରାଭ୍ୟାମ ଜଗନ୍ନାଥାୟ ତେ ନମଃ। ପୁଣି ଗୋଟେ ପୁଣି ତା ଦେହରେ ପୁଣି ଗୋଟେ ଯୋଡ଼ି ଦଉନ୍, ଜଗନ୍ନାଥ ଚେତନା। ଆରେ ଚେତନାକୁ ସିନା ବୁଝିଲେ ହବ, ଖାଲି ଏମିତି ନାଁ ଯୋଡ଼ିଦେଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଚେତନା ହବ? ଆଗ ନୀଳାଚଳ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ବୁଝ। କଣ ନୀଳାଚଳ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ? ନୀଳ ପ୍ଲସ ଅଚଳ, ସ୍ୱାମୀଜୀ ଅଚଳ ମାନେ ପାହାଡ଼। ଆରେ ଅଚଳ ମାନେ ପାହାଡ଼ ନୁହେଁ, ଯେହେତୁ ପାହାଡ଼ ଚଳେ ନାହିଁ ତାକୁ ଅଚଳ କୁହାଗଲା। ଅଚଳ ହଉଛି ଗୋଟେ ତତ୍ତ୍ୱ, ଯାହା ଚଳେ ନାହିଁ ସେ ହଉଛି ଅଚଳ। ଯେହେତୁ ପାହାଡ଼ଟା ଚାଲୁ ନାହିଁ ତେଣୁ ପାହାଡ଼କୁ ଅଚଳ କୁହାଗଲା। ଆକାଶ ବି ତ ଚାଲୁ ନାହିଁ, ପୁଣି ଆକାଶ ବି ଅଚଳ ହେଇପାରିବ? ଆକାଶ କଣ ମୁଭ୍ କରୁଛି? ଅଚଳ ହଉଛି ଗୋଟେ ଗୁଣ, ଯାହା ଚଳମାନ ନୁହେଁ। ଆତ୍ମା ବି ଅଚଳ, ଗୀତାରେ କୁହାଗଲା ଅଚଳମ ସ୍ଥିରମ। ଆତ୍ମା ବି ଅଚଳ, କେମିତି ଆତ୍ମା ଅଚଳ? ଆତ୍ମା ଯୋଗୁ ସବୁ ଚଳମାନ ହଉଛି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଯୋଗୁ ସବୁ ଚଳମାନ ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ଚଳମାନ, ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ଜାଗାରେ ଅଚଳ। କଣ ତାର କନସେପ୍ଟ, କଣ ତାର ଅର୍ଥ? ଆସନ୍ତାକାଲି ସେ ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସନ କରିବା। ଓମ୍ ସର୍ବେ। ଆଚ୍ଛା, ତେଣୁ ଦୟାକରି